तो आज मैं बना रही हूँ छोटी वाली मछली। देखिए ये लाए थे अभिषेक जी बड़ा बड़ा ही, लेकिन इसको मैं काट दी क्योंकि इसमें ना मसाला नहीं घुसता, इसीलिए इसको पीस पीस कर दी। तो ये मछली है बनाएंगे अभी। और देखिए मसाला सारा मैं रेडी है, इसमें है लाल मिर्च, धनिया सब, मैं खड़ा मसाला को इसमें सरसों भी पीस के डाली हूँ दोस्तों। अच्छा रोज थोड़ा सा कर दी थी, उसके बाद सबको मिक्सर में पीस दी। जीरा है इसमें, काली मिर्च है और धनिया है और लाल मिर्च है और इसमें देखिए लहसुन अदरक और हरी मिर्च है, इसको पीसी हूँ मैं। और ये है कसूरी मेथी, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और ये धनिया का पत्ता जो कि लास्ट में जाएगा और ये सरसों का तेल। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए छोटी वाली मछली जो कि मेरा फेवरेट है। पहले तेल को डाल दी कढ़ाई में, थोड़ा गर्म हो जाएगा तब तक मैं मसाला मिला लेती हूँ। इसको धोई अच्छे से, इसको क्या करेंगे सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको फ्राई करेंगे और इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा रहेगा, पूरा लटपट रहेगा क्योंकि खाने में अच्छा लगता है। और इसमें ये थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसको, ये थोड़ा कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों मछली का। आप बनाइएगा तो ज़रूर डालिएगा कसूरी मेथी। और ये गरम मसाला, थोड़ा सा मीट मसाला, सबको डाल के पहले अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से। इसको देखिए मैं मिला ली हूँ, अब क्या करेंगे इसको मसाला इसमें अच्छे से लपेटेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। मज़ेदार मछली बनेगा मेरा। बहुत दिन के बाद मछली दोस्तों बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से तो फेस्टिवल ही चल रहा था, दीपावली था, दुर्गा पूजा था, फिर छठ पूजा, तो नॉनवेज नहीं बना रही थी। बहुत दिन के बाद मैं नॉनवेज बना रही हूँ और वो भी मछली जो कि मेरा फेवरेट है मछली। एक एक करके डालेंगे अच्छे से, फ्राई करेंगे पूरा। इस मछली को इसी तरीके से अच्छे से मसाला लगा लगा के सब में फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर ग्रेवी लगाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आज पूरा मछली का रेसिपी दिखाऊंगी दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा। मैं मसाला भी क्या क्या डाली हूँ मैंने सब बता ही दिया है इसमें, ये सब सारा मेरा खड़ा मसाला है। सबको मैं अच्छे से इसको हल्का सा मैं रोस्ट कर दी थी उसके बाद कढ़ाई में, उसके बाद सबको पीसी हूँ। पाउडर मैंने ही डाली किसी चीज़ का, सब कुछ जो है कढ़ाई में रोस्ट करके उसके बाद मिक्सर में पीसी हूँ। पाउडर से अच्छा टेस्ट आता है ऐसे खड़ा मसाला का। उधर मेरा किचन में चावल भी चढ़ा हुआ है, जल्दी से बनाना है क्योंकि आज डांस क्लास जाना है, कल राजा का एनुअल फंक्शन था तो कल नहीं जा पाई थी, तो आज जाना है डांस क्लास, बच्चे लोग भी जाएंगे सब, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ। सुबह में मैं पोहा बनाई थी नाश्ते में, तो सबका हो गया नाश्ता। अब इसे ये भी काला नमक किसने तो पलट देते हैं इस साइड से, पूरा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया इस साइड। इसी तरीके से इस तरफ भी इसको फ्राई कर लेंगे, ऐसा ही फ्राई करेंगे सारा मछली को। कितना देखिए मस्त कलर हुआ है दोस्तों, देखिए मसाला भी ऊपर से जला नहीं है, इतना अच्छा मसाला हुआ है इसका। क्रंची मछली फ्राई, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, मज़ा आता है खाने, तो खाएंगे एक पीस तो खाएंगे। सारी मछली फ्राई करेंगे, मछली सारा फ्राई हो गया दोस्तों। देखिए अब ये तेल गरम हो रहा है, तेल गरम हो ही गया है, ये 5 फोरन है, तेजपत्ता और ये सूखी मिर्च को डालेंगे। और इसमें प्याज भी पड़ता है, लेकिन मैं प्याज को क्या की ना, प्याज को पहले काट के उसको फ्राई कर दी थी तेल में, उसके बाद मिक्सर में इसको पीस दी, इसलिए मैं प्याज नहीं डालूंगी फोरन में। इसी में मेरा प्याज भी है, प्याज है और टमाटर को भी मैं पीस दी थी, सब कुछ इतना खड़ा मसाला था सबको अच्छे से रोस्ट करके पीसी हूँ। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है,
तो सबको ऐसे ही डालेंगे। बहुत ही लाजवाब मेरा कसली बनेगा आज। और ज़्यादा जितना मसाला है सबको डालेंगे। ये सब मसाला बच गया है, मछली फ्राई किए थे इससे, तो इसको भी डाल देंगे। पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, सब मसाला अच्छे से पहले भुनेंगे जब तक कि ना ये तेल छोड़ने लगे। और ये हल्दी है, हल्दी थोड़ा लग रहा है कम है, अगर कम हुआ तो और लगेगा तो अगर तो देंगे। और ये नमक स्वाद अनुसार, ये थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया था तो इसको रख दी थी, बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो शाम में आमलेट बनेगा तो उसमें पड़ जाएगा, क्योंकि ये किचन में मेरा नहीं बनता नॉनवेज, बाहर नहीं बनता है, तो ये तेल यहीं पे रहेगा। आज बहुत ही मज़ेदार मछली बनेगा, क्योंकि थोड़ा मसाला मैं ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि ग्रेवी कम रखेंगे, लटपट रखेंगे ग्रेवी। दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से ग्रेवी रख रही हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो में। इसको अच्छे से पहले फ्राई होने देते हैं धीरे धीरे मीडियम आंच पे। ये सारा मछली फ्राई हो गया है, अलादिया और मैं एक एक पीस खाई थी दोनों, तो अभी इतना बचा है, बहुत सारा है, इतना तो काफ़ी है, बड़ा बड़ा पीस है। अर्चित नहीं खाता है पीस, और एक अमिषेक जी के फ्रेंड आने वाले हैं तो वो आएंगे। चावल मेरा हो ही गया है, जा रही हूँ उसका मार निकालने, चावल का मार होता है ना वो निकालती हूँ। ऐसे प्रेशर कुकर में बनता है चावल, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ पतीले में। चावल मेरा भून गया है, तेल छोड़ दिया कढ़ाई से अच्छे से, अब इसमें पानी डालेंगे अच्छे से। मसाला भून गया है, ये देखिए गरम पानी है, गरम पानी डालने से अच्छा बनता है मछली का ग्रेवी। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, लटपट ही रखेंगे, क्योंकि मसाला मेरा ज़्यादा है। सारा मसाला मछली को, मछली डालेंगे तो सारा मसाला जो है मछली में एब्जॉर्ब कर लेगा। और डालते बस काफ़ी है, पानी मेरा गर्म था इसीलिए देखिए उबल भी गया है। अब इसमें क्या करके डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको उबलने देंगे। उसके बाद जब मसाला अच्छे से मछली में एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर बंद कर देंगे। देखिए ऊपर से इसको इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं उबालना है, क्योंकि मछली मेरा अच्छे से फ्राई है और मसाला भी अच्छे से भुना गया है और उबल भी गया है इसका ग्रेवी, तो ज़्यादा नहीं इसको करेंगे, नहीं तो फिर ये मछली जो है गल जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का उबल जाएगा, उसके बाद धनिया का पत्ता डाल देंगे, इतना लगेगा इसमें, ज़्यादा धनिया का पत्ता नहीं डालेंगे, फिर चलो डाल देंगे ऐसा बढ़ा दिया डाल देते, इससे अच्छा टेस्ट आता है ऐसे धनिया पत्ता से मछली में। धनिया धनिया का पत्ता तो डालना ही चाहिए। अब इसको ढक देंगे हल्का तेज आंच करके, दो मिनट तक इसको रहने देते हैं। दो मिनट नहीं, एक मिनट काफ़ी है, क्योंकि सब कुछ मेरा अच्छे से पक गया है। थोड़ा देर इसको रहने देते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट इसी तरीके से चूल्हे पे ही, उसके बाद फिर सर्व करेंगे। मेरा चावल भी बन के रेडी हो गया है, खाना निकालेंगे। ओके, मछली का क्या पोजीशन है, वाओ मेरा मछली तो बहुत ही यमी लग रहा है। इधर ले क्या दिखाओ, कितना ज़बरदस्त मछली मेरा बन के तैयार हो गया दोस्तों, उसको सर्व करके दिखाती हूँ। ज़्यादा ही ग्रेवी है, गाढ़ा ग्रेवी मैं रखी हूँ, देखिए। आइए आप लोग भी खाने के लिए,
मेरा फिश करी। तो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा मछली का रेसिपी। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी, हैप्पी संडे।